हाय एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। तो आज का जीएट का क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन में आज का क्लास में दो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों पार्ट क्या है, कैसे करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है, चलिए क्लास में। हाय एवरीवन, तो जो टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस करेंगे वो है हम लोगों का पहला टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? तो डिफिनेशन ऐसा है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा फॉर्म में है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एम और एन क्या है, तो डी एक्स के साथ जो रहेगा वो है हम लोगों का एम और डी वाई के साथ जो रहेगा वो है हम लोगों का एन। तो पहले हम लोगों को एग्जैक्ट चेक करने के लिए करना क्या है, डेल एम बाई डेल वाई करना है, मतलब एम को वाई का रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है और एन को एक्स का रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है। फिर इन दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर डी एक्स डी वाई है, इसलिए ये जो टाइप है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप है। उसके बाद आएंगे हम लोग सॉल्विंग प्रोसीड्योर में। तो इसमें ध्यान देना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तभी उसका सॉल्विंग प्रोसीड्योर आएगा, यानी कि जेनरल सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा। तो स्टेप वन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, जहाँ पर याद रखना है कि वाई होगा हमेशा कांस्टेंट। स्टेप टू में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन एन डी वाई को फाइंड करना है और ध्यान देना है कि एक्स यहाँ पर होगा कांस्टेंट। लास्ट स्टेप कि तब इसका जेनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज इक्वल टू आर्बिटरी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सी मिलता है वो होता है आर्बिटरी कांस्टेंट और इंटीग्रेशन के बाद जो सी मिलता है वो होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ें बोलना है कि इन दोनों का वैल्यू, मतलब यहाँ से एक वैल्यू आएगा और यहाँ से एक वैल्यू आएगा। सपोज़ इसका वैल्यू आया है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू और इसका वैल्यू आया है y प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये दोनों टर्म कॉमन टर्म है। तो अगर दोनों टर्म है कॉमन टर्म है तो उसको एक बार ही लिखना है, मतलब तब इसका जेनरल सॉल्यूशन को हम लोग लिखेंगे ऐसा करके x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो यही बोलना है स्टेप थ्री में कि इसका वैल्यू आएगा तो डिफरेंट जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग प्लस करके लिखेंगे, लेकिन कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रहा है तो उस वैल्यू को हम लोगों को एक बार ये लिखना है और इज इक्वल टू देना है इसका सी, वेयर सी इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का किस टाइप का प्रॉब्लम जीलेट में इन जनरल हम लोगों का आता है। तो इन जनरल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसे दो टाइप का प्रॉब्लम ही जीलेट में मैक्सिमम बार आता है। तो फर्स्ट जो टाइप है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये पूछा गया है कि ये एग्जैक्ट है येस और नो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट के साथ चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एम डी वाई प्लस एन डी ओ इज इक्वल टू जीरो करके एम और एन क्या है ये हम लोगों को देखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान दो कि डी एक्स के साथ जो है वो है हम लोगों का एम और डी वाई के साथ जो है वो है हम लोगों का एक्स। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोगों का सजा के लिखेंगे, तो माइनस डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो।
तो इस प्रॉब्लम में एम क्या है हम लोगों का माइनस वाई और एन क्या है हम लोगों का एक्स। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई करते हैं, मतलब डेल डेल वाई ऑफ एम का वैल्यू मतलब माइनस वाई, तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आएगा माइनस वन। फिर हम लोग चेक करेंगे डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू, यानी कि डेल डेल एक्स ऑफ एन का वैल्यू कितना है एक्स, तो डेल डेल एक्स ऑफ एक्स कितना होता है वन। तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है माइनस वन और इसका वैल्यू है वन, देयर फोर डेल एम बाई डेल वाई नॉट इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो इस प्रॉब्लम में पूछा गया था कि ये एग्जैक्ट होगा येस और नो, तो इस प्रॉब्लम का आंसर है नो। सेकेंड जो प्रॉब्लम हम लोगों को बताया गया है कि फाइंड द जेनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसमें ऑलरेडी बताया गया है कि ये एग्जैक्ट है। तो जिलेट जब हम लोग एग्ज़ाम देंगे हम लोगों का टाइम भी एक बहुत मैटर करता है, तो इसको और नहीं दिखाएंगे कि ये एग्जैक्ट है फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये एग्जैक्ट है। तो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्विंग जो प्रोसीड्योर है वो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस प्रॉब्लम के लिए सही है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन एम डी एक्स फाइंड करेंगे, मतलब ये है हम लोगों का एम और ये है हम लोगों का एन। तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स मीन इंटीग्रेशन 3x² y² dx, तो y यहाँ पर कांस्टेंट है तो y को बाहर कर देंगे, 3 को भी बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रेशन x² dx कितना होता है x³/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा कितना x³y². सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन एन डी वाई फाइंड करेंगे, तो ये है हम लोगों का एन, तो क्या फाइंड करना है इंटीग्रेशन 2x³y dy। फिर यहाँ पर x है कांस्टेंट और 2 भी ऑब्वियसली है कांस्टेंट, तो 2x³ को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन y dy कितना होता है y²/2, तो ये 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा x³y²। तो जेनरल सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो क्लियर दिख रहा है एक ही टर्म दो बार रिपीट हुआ है, तो इसका जेनरल सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे इन दोनों टर्म को, रिपीट टर्म को हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं तो इसको एक बार ही लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का सी। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये प्रॉब्लम मैच हो रहा है देखना है कि कहाँ पर हम लोगों का x³y² है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि x³y² है, तो सेकंड जो प्रॉब्लम था इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन ए। तो आज का क्लास का जो सेकंड पार्ट है हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है यानी कि डेफिनेशन क्या है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx + py = q, where p and q are function of x alone or constant is called linear differential equation. That means पहला तो ये first order क्यों है क्योंकि इस problem में differential equation में क्या है dy/dx है, तो किसी भी differential equation जो dy/dx का form है वो हर form को है हम लोग बोलते हैं first order differential equation। तो linear differential equation का ये है form। तो जब भी एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का टाइम जो ये फॉर्म दिखेगा तभी हम लोगों को पता चल चुकेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो फॉर्म ऐसे रहेगा तो dy/dx + py, तो p क्या है y के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो है p और इक्वेशन के बाद जो रहेगा वो होगा q। तो ये p और q क्वेश्चन में हम लोगों को कैसा देखने को मिलेगा, तो p और q हमेशा x का ही टर्म होगा या तो कांस्टेंट होगा, मतलब x का कुछ भी फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का फॉर्म, यानी कि देख के हम लोगों को पता चल चुकेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉल्विंग प्रोसीड्योर। तो जिलेट में क्या होता है आइदर तो ये स्टेप से क्वेश्चन आएगा
और इस स्टेप से क्वेश्चन आएगा। तो स्टेप वन क्या है कि हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आई डॉट एफ, और आप लोगों को क्वेश्चन में भी आई डॉट एफ ही मिलेगा कि फाइंड आई डॉट एफ। तो जब भी प्रॉब्लम में आई डॉट एफ है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका रहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग कैसे करके फाइंड करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ऐसा एक नॉर्मल इक्वेशन रहेगा y के साथ जो है वो हम लोगों का हो जाएगा p, फिर उस p को इंटीग्रेशन करना है x का रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग ऐसे करके फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जेनरल सॉल्यूशन। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जेनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जेनरल सॉल्यूशन जब हम लोगों को फाइंड करना है तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है, फिर देखो यहाँ पर d के साथ कितना है y है, तो कितना होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q का वैल्यू यहाँ पर लेना है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लेना है, उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है, प्लस c देना है। ये फॉर्म में इंटीग्रेशन के साथ ही प्लस c हम लोगों को लिखना है। तो जब भी जिलेट का प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन में तो ये आयदा तो स्टेप वन से क्वेश्चन आएगा या तो स्टेप टू से क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से किस टाइप का क्वेश्चन जिलेट एग्जामिनेशन में हम लोगों का आता है। अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये दो टाइप का ही क्वेश्चन जिलेट एग्जामिनेशन में आता है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, फाइंड आई एफ ऑफ दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू लॉग एक्स, चारों इसका ऑप्शन है। तो थोड़ा सा हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म को याद करेंगे। तो उसमें था ऐसा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो करना क्या है, इस टर्म को पूरे डिवाइडेड कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू टू लॉग एक्स बाई एक्स लॉग एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोगों को क्यू को नहीं देखना है, ओनली पी को देखना है। तो इस प्रॉब्लम में पी कितना है, तो वाई के साथ जो होता है वो होता है पी, तो पी यहाँ पर वन बाई एक्स लॉग एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब वन बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो कैसे करके इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लॉग एक्स को लेना है कि इस प्रॉब्लम में लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड। तो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स कैसे करके फाइंड करना है। तो वन बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा इसमें डी जेड। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन, तो डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स कितना है डी जेड, और लॉग एक्स कितना है जेड। तो कितना आ रहा है e टू द पावर लॉग ऑफ जेड। अब e टू द पावर लॉग का बेस अगर e है तो e टू द पावर लॉग e क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली कितना मिलेगा हम लोगों को कि लॉग के साथ जो है वही हम लोगों का रिजल्ट मिलेगा। ऐसे रिजल्ट मिल गया है जेड, तो जेड का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे लॉग एक्स। तो इस प्रॉब्लम का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फाइनली जो वैल्यू हम लोगों को मिल गया है वो कितना लॉग एक्स। अब देखना है लॉग एक्स कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में लॉग एक्स दिख रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा लॉग एक्स। नेक्स्ट है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियरली दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर p कितना है 1 बाई एक्स, क्यू कितना है एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे, कितना e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा e टू द पावर लॉग x। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी है e टू द पावर लॉग अगर दिखेगा तो e टू द पावर लॉग ही कैंसिल हो जाता है, जो वेरिएबल है वही होगा उसका आंसर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है x,
अब हम लोग जेनरल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, जो है यहाँ पर सॉल्यूशन। तो जेनरल सॉल्यूशन कितना होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मीन y इंटू एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन q, तो q कितना है x स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स x dx एक्स प्लस सी। तो x इंटू वाई हो गया एक्स वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कितना होता है x क्यूब, तो इंटीग्रेशन x क्यूब dx कितना होता है x टू द पावर 4/4। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n का। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल चुका है एक्स वाई इजिकल टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। तो सेकंड प्रॉब्लम का आंसर था ऑप्शन सी। तो आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक या दो टॉपिक है वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना ही, और जिलेट जितने सारे स्टूडेंट इस बार जिलेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, हर को मुझे कहना है कि जो क्लास हो रहा है ये पूरा क्लियरली, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना तक।